नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। लद्दाख में भारत से तनाव बढ़ाने वाले चीन को एलएसी से लेकर दुनिया के कोने कोने में पटखनी देने का क्रम जारी है। पीएम मोदी ने जो कूटनीतिक बिसातें बिछाई हैं या बिछाई जा रही है, उसमें चीन के साथ पाकिस्तान को भी दादा पर दादा याद आ गए हैं। पाक मुल्लाओं की हालत तो किसी टकराव की आशंका से पहले ही पस्त हो चुकी है, जबकि जिनपिंग की हवा इसलिए निकल रही है कि सर्दियों के मौसम में भारत पीएलओ को ठोक सकता है। चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दोष मढ़ने का एडीचोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन भारतीय कूटनीति ने उसके सभी हथकंडे नाकाम कर दिए हैं। जिस पाकिस्तान, ईरान और नेपाल के भरोसे उसने पंख फड़फड़ाए थे, उसमें नेपाल पहले तटस्थ की भूमिका में चला गया है, जबकि ईरान ने अब चीन को एक बड़ा झटका दे दिया है। ईरान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भरोसा दिलाया है कि वह भारत के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएगा। चीन और भारत का मुद्दा एक द्विपक्षीय मुद्दा है, ऐसे में ईरान द्वारा चीन का साथ देने का सवाल ही नहीं उठता है। भारत ईरान के रिश्ते सांस्कृतिक और प्राचीन है, दोनों देशों में सदैव दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। ईरान कभी भी भारतीय हितों के विरुद्ध जाकर काम नहीं करेगा। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी की ओर से दिया हुआ यह बहुत बड़ा बयान है। इस बयान से उन लोगों को कराना तमाचा लगा है जो ईरान के भारत के खिलाफ खड़े होने का दावा कर रहे थे। भारत के कुछ लोग रक्षा मंत्री के ईरान दौरे का मजाक भी बना रहे थे। ऐसे लोगों को कूटनीति की समझ शायद बहुत कम होती है। जब देश चीन के साथ जंग के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में एक छोटे से देश का समर्थन भी बड़े मायने रखता है। फिर ईरान में तो भारत चाबार बंदरगाह का निर्माण कर चुका है, जो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के सिर के ठीक ऊपर है। यानी अगर जंग की हालत में पाकिस्तान या चीन गवादर पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो भारत चाबार से उनकी प्रत्येक हरकत पर नजर रख सकता है। इसलिए ईरान को साधकर भारत ने बहुत बड़ा काम किया है। ईरान की यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अमेरिका के दबाव में दुनिया ईरान से दूरी बना रही है। चीन ने इसी का फायदा उठाकर ईरान के साथ एक महाडील की थी। इस डील के मुताबिक चीन बहुत कम दाम में अगले 25 साल तक ईरान से तेल खरीदने वाला है। चीन बैंकिंग, दूरसंचार, बंदरगाह, रेलवे और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में भी निवेश करेगा। चीन और ईरान के बीच हो रहे समझौते में सैन्य सहयोग भी शामिल है, जिसके तहत चीन ईरान के साथ मिलकर हथियारों का विकास भी करने वाला है। बताया जाता है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद राजनाथ सिंह को सीधे दिल्ली लौटना था, मगर पीएमओ से मिले निर्देश के बाद विदेश मंत्रालय में ईरान की यात्रा के लिए उनके कार्यक्रम में आनन फानन में बदलाव किया गया और कुछ ही घंटों में उनके ईरान यात्रा का खाका तैयार कर लिया। इसके लिए नई दिल्ली में ईरान के राजदूत डॉक्टर अली चेगनी ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि जनवरी 2020 में ईरान द्वारा इराक में अमरीकी एयरबेस पर अटैक के बाद भारत ने दोनों देशों के तनाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस दौरान चीन ने ईरान का किसी भी तरह साथ नहीं दिया था। डॉक्टर अली चेगनी ने भारत के इस कदम की सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा की थी। इस वक्त भारत और चीन के बीच बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है, ऐसे में ईरान की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण हो गई है। ईरान को साथ कर भारत न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को भी तगड़ी चोट देने की तैयारी में है। तेहरान से जिस तरह की खबरें आ रही है, उससे यही लगता है कि भारत ने चीन के खिलाफ ईरान को मना लिया है। अगर इसमें सच्चाई है तो यह मोदी कूटनीति की मां विजय है। इससे पाकिस्तान की नींद भी जरूर उड़ रही होगी, क्योंकि ऐसी हालत में पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगना लाजमी है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान ने अपनी कूटनीति में ईरान को बहुत ऊपर कर लिया था। उसका मकसद यही था कि वह ईरान को किसी भी तरह भारत से दूर कर सके। इसके लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब जैसे बेहतरीन दोस्त की कुर्बानी तक दे डाली। दरअसल पाकिस्तान को चाबार पोर्ट में भारत की भागीदारी से अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। चाबार पोर्ट के ऑपरेशनल हो जाने से भारत अपना व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से कई गुना बढ़ा चुका है। अब भारत इस बंदरगाह के जरिए रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। इस पोर्ट के जरिए हथियारों की खरीद के कारण रूस से बढ़ रहे घाटे को भी कम करने में मदद मिली है। ईरान के रास्ते भारत व्यापार के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इससे भारी दबाव से गुजर रही ईरानी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने लगी है, जबकि इस बंदरगाह के कारण पाकिस्तान का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मध्य एशिया के अधिकतर देश अब पाकिस्तान के गवादर को छोड़कर ईरान के चाबार का उपयोग करने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान इस सच्चाई को समझता है कि भारत और ईरान द्वारा विकसित चाबार पोर्ट से पाकिस्तान और चीन बुरी तरह जले भुने बैठे हैं। इसलिए उसने इन देशों के तमाम दबावों के बावजूद भारत की अहमियत कभी कम नहीं होने दी है। हालांकि कुछ दिन पहले ही ऐसी खबरें जरूर चली कि चाबार निर्माण में धीमी गति को लेकर ईरान चिंतित है, मगर भारत ने ईरान की इन समस्याओं का समाधान भी कर दिया है।
जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों से पाक मीडिया में ईरान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान को भारत से दूर कर दिया है। इस झूठी उपलब्धि पर मुल्ला कौम जमकर कदैया नृत्य कर रही थी। मगर भारत के रक्षा मंत्री का ईरान में जिस तरह से स्वागत हुआ और ईरानी रक्षा मंत्री ने खुलकर भारत का समर्थन किया, उससे पाकिस्तान में मातमी माहौल पसर गया है। पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश के संबंध में नहीं आ रहा है कि सऊदी अरब से तशरीफ पर लात खाने के बाद अब ईरान की लात किस हिस्से पर खानी है, क्योंकि मदरसे के पाक मुल्ला न गधैया नृत्य करने लायक रहे हैं और न बकरी कुदान के काबिल बचे हैं। भारत ने एक ही झटके में पाकिस्तान की मुल्ला कूटनीति के तमाम चैप्टर अरब सागर में प्रवाहित कर दिए हैं। दो फ्रंट से एक साथ युद्ध की तैयारी कर रहे चीन और पाकिस्तान के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं है। खासतौर से भारत के रक्षा मंत्री अगर ईरान पहुंचे हैं और अपने समकक्ष से लंबी बैठक की है, उससे जाहिर होता है कि दोनों रक्षा मंत्रियों में चाबार के सैन्य उपयोग पर बात जरूर हुई होगी। यानी अगर चीन और पाकिस्तान किसी संघर्ष में गवादर का उपयोग करते हैं तो भारत ने चाबार को सैन्य विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ईरान से बात जरूर की होगी। चीन पाकिस्तान की इसलिए भी फट रही है क्योंकि रणनीतिक लिहाज से चाबार पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द है। भारत इस पोर्ट के जरिए पूरे पाकिस्तान में कोराम मचा सकता है। इसका मतलब यही है कि युद्धकाल में भारतीय सेना चाबार पोर्ट को किसी भी वक्त अपने अधिकार में ले सकती है। इसके लिए परिस्थिति तभी आएगी जबकि चीन अथवा पाकिस्तान गवादर पोर्ट को किसी अटैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ईरान भारत के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात ने क्षेत्रीय समीकरणों में फिर से बड़ा बदलाव कर दिया है। खबर है कि पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच भी पिछले एक महीने से कई दफा टेलीफोनिक वार्ता हो चुकी है। रूहानी और मोदी की दोस्ती बेहद ही मजबूत मानी जाती रही है। खासकर ईरान में पीएम मोदी काफी लोकप्रिय हैं। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच कई बार खटास डालने की चालें चली है मगर उसे इसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिल पाई। यह रिश्ते सभी चिंताओं को दरकरार करके पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। बड़ी बात यह है कि मोदी कूटनीति ने जिस तरह खाड़ी देश और अमेरिका से दोस्ताना रिश्ते बनाए, उसमें ईरान भारत की दोस्ती एक बैलेंस बनी रही है। किसी भी ईरान विरोधी मुल्क को इन संबंधों पर कभी आपत्ति नहीं रही। पाकिस्तान जैसा देश भी मोदी की इस कूटनीति से हैरान और परेशान रहा है। हालांकि पाक पीएम इमरान खान ने भी ऐसी कोशिशें जरूर की थी मगर उसका अंजाम उसे खाड़ी देशों को गंवा कर चुकाना पड़ा है। ईरान और भारत के रिश्ते काफी कमजोर होंगे इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। इसकी वजह यह है कि केवल राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, यह रिश्ते दोनों देशों की जनता के दिलों से भी जुड़े हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।